ब्लैंकेट किसी को करवाना है तो उसका प्राइस क्या है? प्राइस ब्लैंकेट के 120 रुपए है, मार्केट के अंदर 250 से 500 रुपए ले रहे हैं ब्लैंकेट के। इतना सस्ता? हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस आज हम चलेंगे गुड़गांव सेक्टर 10A के पास। वहाँ पे क्या है कि एक श्री श्याम ड्राई क्लीनर नाम से एक ड्राई क्लीन हाउस है। तो वहाँ पे क्या है, गुड़गांव में सबसे लो प्राइस पे ब्लैंकेट ड्राई क्लीन करते हैं। आप यकीन नहीं मानोगे, 120 रुपीज़ में, खाली 120 रुपीज़ में वो ड्राई क्लीन करते हैं। तो चलो आज वहाँ चलते हैं, उनके ओनर से मिलते हैं और उनका देखते हैं पूरा सेटअप वगैरह क्या है। तो अभी तो मैं और स्मॉल जा रहे हैं स्कूटी पे, तो चलो चलते गाइस, चलो चलते हैं। ये पड़ता है सेक्टर 10A की मार्केट है, रॉयल एम्पोरियम, इसके बिल्कुल सामने पतंजलि स्टोर भी है, यस बैंक है, बिल्कुल इसके सामने है। तो यहाँ पे आके आप आ सकते हो और कंबल ब्लैंकेट वगैरह कुछ भी यहाँ पे ड्राई क्लीन करवा सकते हो। गाइस चलो चलते हैं और भैया का पीछे का एरिया देख के आते हैं। सर ये है मेन ड्राई क्लीन का एरिया, तो चलो देख के आते हैं। ये मेन मशीन, ये मेन मशीन, ये चारों मेन मशीन, ये चार मशीन, अच्छा चार मशीन मशीन वन हाइड्रो है और वन हाइड्रो है भाई। मतलब मशीनरी की कोई कमी नहीं है, आप कितना भी सामान दे जा सकते हो और जल्दी से जल्दी करवा के देंगे, क्योंकि मशीनरी वगैरह की कमी नहीं है, जल्दी से जल्दी आपका काम हो जाएगा। और ये है ड्रायर, तो प्रॉपर इसमें सबसे पहले तो आपकी वॉशिंग हो जाएगी बढ़िया तरीके से, और फिर हो जाएगी ड्राई। फिर उसके बाद कपड़े को, अच्छा मेन जब आप कपड़े ड्राई हो जाएंगे उसके बाद मेन ड्राई क्लीन इसमें होगी, और मेन ड्राई क्लीन के बाद ये है पैकिंग एरिया, ये पैकिंग एरिया। तो मैं आपको एक बार ये दिखा देता हूँ, ये देखो बिल्कुल वाइट, प्योर वाइट हो रखा है, क्लीन, कितनी बढ़िया क्लीनिंग करी है भैया ने, प्योर वाइट है, और पैकिंग भी बिल्कुल बढ़िया तरीके से हो जाती है, पैकिंग में भी कोई मसला नहीं। और ये वाली मशीन भी किस चीज़ की है? ये है बेडशीट के लिए, इसमें प्रॉपर प्रेसिंग होके आएगी, अच्छा वो जो प्रेसिंग होगी तो उससे वो जैसे वो क्रीज वगैरह होती है वो बिल्कुल साफ हो जाएगी। थोड़ा दिखा दो, पैंट शर्ट और उनकी पैकिंग, तो इसमें भी आप देख सकते हो क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, प्रॉपर पैकिंग है। इवन बनियान भी है उसकी प्रॉपर पैकिंग करके दी हुई है, उसमें भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। तो चलो आगे नेक्स्ट देखते हैं। ये प्रेसिंग एरिया है, जब सारी चीज़ें हो जाती है ये स्टीम प्रेस है प्रॉपर, जब सारी चीज़ें हो जाती हैं उसके बाद ये रखा है हमारा, इसमें ऐसे कोट पेंट डाल दी हमने, सब कुछ ऐसे होएगा, सब हैंड का कोई काम नहीं है हमारे पास। आप देख सकते हो स्टाफ भी पूरा सबने मास्क वगैरह लगा के रखे और सब बैचिंग है, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। तो भाई ये देखो वहाँ से तुम के आ गई है बेडशीट, और अब ये यहाँ से चले जाते चलाएंगे, तो फिर वो जो मशीनरी दिखाई थी मैंने आपको वो सर दिखा देते हैं, पीछे वाली मशीनरी है उसमें प्रॉपर रोल होगी और फिर पीछे भी हो जाएगी। और मेन सबसे मेन चीज़ आप आने अगर नोट की हो मैं आपको दिखा देता हूँ,
कोई भी कपड़ा है ना फ्लोर पे नहीं गिरा हुआ है, डेस्क पे रखा हुआ है। इवन ये देखो इवन ट्रॉली में रखा हुआ है, इवन ये वाले जो भी कपड़े हैं ना ये भी इनने प्रॉपर कारपेट पे रखे हुए हैं, क्योंकि कस्टमर को क्या है कि उनके कपड़े की कदर हो, कहीं पता चले वो कहीं धुलने जा रहे हो वहाँ पे। इवन ब्लैंकेट भी है, वाइट बेड, ये वाइट हुआ है, ये वाइट प्रॉपर आप देख सकते हो, बिल्कुल प्रॉपर क्लीन है आपको हो गया कपड़ा। और ये वाली मशीन भी है, अच्छा ये भी ड्रायर ही है। और ये जो स्टॉक का है ना, हाँ जी हाँ जी, जो हमारे कंपनी के बंदे आते हैं, हाँ जी हाँ जी, उनके कपड़े हैं जो ये मानेसर की कंपनी है, उनका भी भैया ने देखो ये प्रोडक्ट इलेक्ट्रॉनिक काम है उनका, सब फोल्ड होएगा, प्रॉपर। तो गाइस ये देखो कपड़े यहाँ पे धुल के आ गए हैं, ये कपड़े प्रॉपर धुल के आ गए हैं। और अब कैरी भी इनको प्रॉपर ट्रॉली में लेके जा रहे हैं, ये नहीं कि घिसड़ा रहे हैं या हाथ से ले जा रहे हैं, प्रॉपर सबके लिए ट्रॉली है और उसके बाद सब चीज़ें मेरा। तो आप ये देख लो, अगर आओगे ना आपका कपड़ा जैसा गया है ना उससे बढ़िया क्वालिटी में आएगा, उससे बढ़िया सॉफ्ट हो के आएगा। तो चलो चलते हैं, अब थोड़ी भैया से बातचीत करते हैं, अंदर आ जाओ। तो गाइस अब हम अंकुर भैया के पास आए हैं और इनसे दो तीन सवाल पूछते हैं और इनकी ड्राई क्लीन के बारे में। तो भैया सबसे पहली चीज़ तो ये, आपने कितना टाइम पहले स्टार्ट किया था काम? ये सर मैंने चार साल पहले स्टार्ट किया था। और तो सबसे पहले यहीं से किया था या इसके अलावा भी कहीं पे तो आप क्या क्या है ड्राई क्लीन में क्या क्या चीज़ें करते हो? सर ड्राई क्लीन में ब्लैंकेट कारपेट सब कुछ जितना ड्राइविंग का आता है, अच्छा जितना ड्राइविंग सब कुछ ड्राइविंग करते हैं हम। तो नॉर्मली जैसे अगर ब्लैंकेट किसी को करवाना है तो उसका प्राइस क्या है? प्राइस ब्लैंकेट के 120 रुपए है, मार्केट के अंदर 250 से 500 रुपए ले रहे हैं ब्लैंकेट के। इतना सस्ता? क्योंकि मैंने भी इवन अभी वीक पहले ही करवाया था घर पे, तो हमने दिए थे लगभग 350 के लगभग एक। मैं बताता हूँ सर, मार्केट से हमने हमें मार्केट वाले रेट में नहीं करना ना। नहीं सही बात है, हम 120 में करेंगे आपको। तो ठीक है, और प्लस इसमें ये फैनिट है, मार्केट में तो आप दोगे, हाँ सुबह दोगे आज दोगे तो 3 दिन बाद मिलता है। 3 दिन फिक्स टाइम है सर, हमें ऐसे 3 दिन नहीं चाहिए, हाँ आप सुबह दोगे शाम को ना मिलेगी। अच्छा शाम को इवन आप करके भी दे दो? हाँ जी, ये भी बढ़िया बहुत बढ़िया चीज़ है, ड्राइविंग करके देंगे आपको। हमारा जो केमिकल भी होगा, हाँ जी हाँ जी, थोड़ा सॉफ्टनर होगा आपका, सॉफ्ट रहेगा केमिकल, सॉफ्ट रहेगा, एक तो सॉफ्ट कर देंगे उसे आपका, और प्लस उसमें स्मेल आएगी, खुशबू आएगी, प्लस उसमें क्वालिटी में भी कोई नहीं गिरेगी, क्वालिटी कोई नहीं गिरेगी। और आपका मेन हाइजीन का सिस्टम तो कहीं अंदर मैंने देखा जी, आपने देखो अंदर सब कुछ देखा, आपने अंदर देख लिया, आपने कुल प्रॉपर मेंटेनेंस कोई मेंटेन सब कुछ है, सबको वैक्सीन स्टाफ है मेरे पास। अच्छा वैक्सीन की स्टाफ है आपको? सारा वैक्सीन स्टाफ है, ये भी बढ़िया चीज है। और आपकी अगर मान लो किसी अगर कोई कस्टमर आए उसको क्वालिटी में कोई दिक्कत वगैरह लगे तो वो सॉल्यूशन हो जाता है? हां जी, उसका क्या सॉल्यूशन है? सर ऐसा है, आप उनको हमें जैसे में सर्विस में कोई दिक्कत आई है तो हमें फोन कर सकते हैं, फोन कर कभी फोन करें, 24 घंटे हमारा फोन चालू रहता है, कभी फोन कर ले तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसे नहीं उस चार्ज नहीं लगेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है भैया, और कुछ आपके बारे में कुछ बताना चाहिए, कोई मैसेज आ रहा है? सर जो जो हमें तो इतना है कि हमें जो काम करना है, यदि हमारे काम कराना चाहता है, यदि हमारे क्लॉथ ऑल क्लॉथ जैसे ऑल क्लॉथ हमें इस टाइम ब्लैंकेट के रेट दिया आपको 120 रुपये, ऑल क्लॉथ जो भी है कुछ भी हो उसका हम बेस्ट से बेस्ट प्राइस देते हैं, बेस्ट प्राइस मार्केट रेट से, मार्केट से रेट से बेस्ट प्राइस। तो आपका ये जो एरिया है ये कितने बड़े एरिया में है? ये सर 5,000 स्क्वायर फीट एरिया में, 5,000 स्क्वायर एरिया। और आपका स्टाफ कितना बड़ा है? मेरा स्टाफ है 15-20 लड़के स्टाफ है, 15-20 लड़के का स्टाफ है। और बाकी अगर जैसे अब ट्रैकिंग वगैरह होगी उसके बाद बिलिंग वगैरह का क्या सिस्टम है? बिलिंग कैसा है सर, आपको बिल चाहिए तो आपको जीएसटी लगेगा? अच्छा प्रॉपर आपका जीएसटी सिस्टम होगा, सब कुछ हमारे पास। ठीक है भैया, तो ठीक है भैया, थैंक यू। तो नेक्स्ट टाइम हम भी अगर सर्विस लेंगे तो आपकी यहीं से लेंगे, और कोई सजेशन होगी तो थैंक यू। तो गाइज आज हमने यहाँ का कंटेंट बना लिया और यहाँ के ओनर से मिले और बातचीत की और सब डिटेल। तो गाइज चलो चलते हैं अब घर, चलो लंच करते हैं। मैंने बनाए थे लंच है, लंच है, स्नैक टाइम है, स्नैक टाइम क्या ना लंच, तेरा तो लंच है, मैंने तो कुछ खाया ही नहीं, तो क्या हुआ था अभी यार, तो मैंने तो अपने ब्रेड फ्राई कर लिए
और चाय बना दी, ये मम्मी रही, और संगीता लेके आ गई मोमोज, फ्राइड मोमोज, तो वो भी खाते हैं, और साथ में अंगूर। कॉम्बिनेशन देख रहे हो गाइस, फुल हैवी ड्राइवर हो रहे सारे। चलो करते हैं जल्दी से मोमोज फ्राइड, स्टीम नहीं लाए मोमोज, और चटनी, चटनियों का भंडार। सुमन चाय मेरे ने बनाई? नहीं, क्यों बोल के गई थी मैं चाय बनाई मेरे, सॉरी। बस यही है चाय? हाँ, जब बाहर पिया गली के 10 रुपए ले ले अपने गले के बाहर पिया, और अपने 2 मोमोज ले जा। सेल क्या किया बेटा? अरे नहीं, बना रखी है, मार रखी है और खा ली। तो गाइस आज के व्लॉग को करते हैं एंड, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय एंड गुड नाइट।